अस्सलाम वालेकुम। हम इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं और इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर हैं। यहाँ पे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन हो रही है। ये कुछ लड़कों ने कोई बाइक बनाई है और उसके अंदर कोई तब्दीलियाँ की हैं। ये क्या है और इसमें ये क्या इनका प्रोजेक्ट है? थैंक यू वेरी मच। पहले अपना तारुफ करा दें, क्या आपका नाम है और कौन से डिपार्टमेंट से हैं और क्या प्रोजेक्ट है आपके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अशाम है, मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम अहमद जिब खटक है, मैं इंडस यूनिवर्सिटी बी इलेक्ट्रिकल डिपार्ट से ताल्लुक है। मेरा नाम हासिल अली है, मैं इंडस यूनिवर्सिटी बी इलेक्ट्रिकल डिपार्ट का लास्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। क्या प्रोजेक्ट है भाई, ये क्या बाइक क्यों खड़ी की हुई आप लोगों ने? सर ये बाइक हमने ये खड़ी करी हुई, जो ओल्ड बाइक होती हैं उसको हमने हाइब्रिड बाइक के अंदर कन्वर्ट करा है। रेस्क्यू वगैरह के लिए जैसे देखा है, कुछ प्रॉब्लम हमने देखी थी इंडस्ट्री के अंदर। जैसे बात करें 2015 के अंदर एडी सेंटर की लाहौर में, वहाँ पे पेट्रोल ना होने की वजह से एम्बुलेंस सर्विस जो डाउन हो गई थी। तो ये एक आइडिया था, वेनेजुएला के अंदर कोरोना वायरस के केसेस इतने बढ़ गए कि तो वहाँ पे एम्बुलेंस के अंदर पेट्रोल शॉर्टेज हो गई थी। तो उसको देखते हुए, ये नीड देखते हुए, इंडस्ट्री में गैप देखते हुए, हमने एक बाइक को हाइब्रिड बाइक कन्वर्ट करा है। तो अब आप इस बाइक को पेट्रोल भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक भी चला सकते हैं। अगर आपका पेट्रोल खत्म हो जाए तो इलेक्ट्रिक भी चला सकते हैं। और इसके साथ कुछ हमने एक्स्ट्रा फीचर्स भी रखे हैं, को असिस्टेंस के लिए, पैरामेडिक के असिस्टेंस के लिए हमने इसके अंदर हेलमेट लगाया, हेलमेट में कैमरा लगाया हुआ है और ब्लूटूथ हेडसेट लगाया हुआ है। अगर मैंने कंट्रोलिंग वगैरह कोई, मुझे अगर गाइडेंस लेनी है कोई, मैंने रास्ता पूछना है अपने कंट्रोल रूम से, या मुझे उसी वक्त पॉइंट के ऊपर जहाँ पे मैं फर्स्ट एड दे रहा हूँ, मुझे पैरामेडिक को डॉक्टर की गाइडेंस की ज़रूरत है, तो मैं इसके थ्रू ले सकता हूँ उन लोगों से। मतलब ये बाइक कौन इस्तेमाल कौन करेगा, कौन चलाएगा, कौन इसको कोई पैरामेडिक स्टाफ चलाएगा? जी सर बिल्कुल, इसको होगा जो वेल ट्रेंड होगा वो हम इसको मतलब चलाने के लिए काम आएगा। वो चलाएगा कैसे कि हमें कंट्रोल रूम हमारा बना होगा प्रीवियस, जो कोई भी हो, ईडी हो, चीपा हो, कोई भी एसोसिएशन हो, तो वहाँ से उसे कॉल आएगी कि इस जगह एक्सीडेंट हो गया है, एमरजेंसी हो गई है। तो इस मोबाइल के थ्रू नेविगेशन सिस्टम के थ्रू वो उस जगह पहुँच जाएगा ईजीली। तो उसके बाद वो रैपिड रिस्पॉन्स देगा पेशेंट को कि उससे लग गई है। तो ये हमारा जो स्मार्ट हेलमेट है, इसके अंदर हमने मिनी कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। मिनी कैमरा के थ्रू वो लाइव कम्युनिकेशन हो रही होगी, तो वो उसे बताएगा। वहाँ हमारे डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, वो बताएंगे कि इस पेशेंट के साथ आपने ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इसको फर्स्ट एड दो, इसको ये करो। तो उसके थ्रू वो इजीली उसको फर्स्ट एड दे सकते। मतलब आपने बाइक को भी तब्दील किया है और हेलमेट के अंदर भी जो है ना तब्दीली लेकर आए। हेलमेट में क्या, एक आम हेलमेट को आपने तब्दील कर दिया है या इसके लिए स्पेशल हेलमेट बनाया? लेकिन बेसिकली हमारे पास जो हेलमेट था, हमने इस आम हेलमेट को हमने इसको कन्वर्ट किया स्मार्ट हेलमेट में। इसके लिए हमने इसके अंदर ब्लूटूथ हैंडसेट्स यूज किए, हमने ब्लूटूथ हैंडसेट्स सर ये ब्लूटूथ हेडसेट ये इसके अंदर हमारे ब्लूटूथ हैंडसेट यूज हुए। और हमने नेविगेशन सिस्टम के लिए इसके अंदर हमने कैमरा पार्ट किया सामने। तो जो बेसिकली नेविगेशन सिस्टम हमारा, जो हमारे पास स्मार्ट कंट्रोल रूम होगा, वहाँ से नेविगेशन सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहा होगा। पैरामेडिक की सारी मूवमेंट्स को यहाँ से नोट डाउन किया जा रहा होगा। मतलब ये एक मैंने आम हेलमेट लिया या जिस भी इदारे ने लिया, तो उसको ये आसानी से तब्दील कर सकते हैं? बेसिकली इसके अंदर हमने जो इंस्टॉलेशंस की हैं वो कैमरा है, ब्लूटूथ हैंडसेट है, इसके अंदर काफ़ी हमारी प्रोग्रामिंग्स अगर हमने इसके अंदर यूज़ किए हैं, तो इसको हमने स्मार्ट हेलमेट कन्वर्ट किया। अच्छा, ये टोटल इसका आपने, इसका मतलब है कि दो चीज़ें बनाई, एक तो बाइक आपने चेंज की और दूसरा हेलमेट आपने इसमें एडिशन किया। कितना टोटल खर्चा कितना आया इसमें? टोटल कॉस्ट जो इसके आई है वो 180 तक आई है मैक्सिमम। और जो हमारे रेस्क्यूज यूज़ कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, उसकी कॉस्ट 4 लाख तक है। तो मतलब उसके हाफ में हम दो दे रहे हैं, दो हमारे पास फीचर्स है, एक पेट्रोल पे भी है और इलेक्ट्रिक पे भी है ये। तो उसके साथ ये बाइक अगर बंद हो जाए तो क्या, पेट्रोल पे चलते चलते बंद हो गई तो ये इलेक्ट्रिक पे चल जाएगी? जी ये इलेक्ट्रिक पे भी चलेगी और इसका बैकअप भी बहुत अच्छा है, मतलब 70-80 किलोमीटर ये बैकअप देती है। अच्छा। तो ये काफ़ी अच्छा बैकअप है, काफ़ी ज़्यादा बैकअप है। ये नई बाइक है या पुरानी को ही आपने इसको? पुरानी बाइक है ये, हमने ओल्ड बाइक यूज़ किया उसी को ही हमने अपडेट किया है। तो ये इसलिए फिजिबल सॉल्यूशन हमने दिया है, जो हमारा नाम है फिजिबल सॉल्यूशन पोस्टर के ऊपर, तो इसी वजह से कि हमने ओल्ड बाइक को ही कन्वर्ट किया। क्या देख रहे हैं, कोई इंडस्ट्री आपको इंटरेस्ट शो किया किसी ने कि इसके अंदर? जी हाँ, ये हमने मार्केट में अप्रोच करा भी और आगे करें भी। रेस्क्यू 1122 कोहाट से हमने उनके ऑफिशियल्स के साथ कांटेक्ट में किया है, उनकी तरफ से हमें ग्रीन लाइन है। थोड़ी सी देखते हैं आगे इसकी वीडियो वगैरह शूट करेंगे तो फिर कुछ रिस्पॉन्स आएगा फिर आगे से। चल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, ये एक अच्छा इनका तजर्बा है, एक बाइक को और उसके साथ एक हेलमेट, ताकि अगर आपका कोई गांव देहात के अंदर या शहर के अंदर भी किसी ऐसी जगह पे एक्सीडेंट हो गया है जहाँ पे डॉक्टर फौरन नहीं पहुँच सकता है, पैरामेडिक स्टाफ वहाँ मौजूद है, वो डॉक्टर से हिदायत ले रहा है कि इस वक्त इसको क्या फैसिलिटी दी जाए, क्या दवाई दी जाए, क्या इसका ट्रीटमेंट किया जाए। और बाइक का अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो गया है और आप रूरल एरिया के अंदर हैं या आप
दूर हैं कहीं और पेट्रोल पंप नहीं है, तो आपकी बाइक जो है फ़ौरन ही ये इलेक्ट्रिक पे भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के हवाले से इतना ही, फिर अभी इंशाल्लाह और प्रोजेक्ट्स को भी कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।